नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और लगातार ये मेगा कवरेज जारी है। पंचायत चुनाव को लेकर पंच और सरपंच के दूसरे चरण के तहत 9 जिलों में वोटिंग जो है वो फिलहाल जारी है और जानकारी बड़ी आपको अब देने जा रहे हैं। आपको बता दें, गरौंडा से गांव डेरा संजय नगर में विवाद हुआ है, बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। वोटिंग को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ है। आपको बता दें, ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की गई है। मतदान केंद्र के बाहर तनाव की स्थिति बनी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तनाव किस तरीके से बढ़ता चला गया, भीड़ बढ़ती चली गई, विवाद काफी ज्यादा हो गया। बात यहां तक आ गई कि जो पुलिस कर्मी वहां तैनात थे उनके साथ भी कुछ हाथापाई हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गरौंडा के गांव डेरा संजय नगर में ये विवाद। गरौंडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको तस्वीरों के साथ हम दिखा रहे हैं। पोलिंग स्टेशन के बाहर हंगामे के बाद की स्थिति, बढ़ता विवाद, लोगों की भीड़, पुलिस वालों से भी भिड़ते नजर आए यहाँ पर लोग। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है क्या हुआ था, क्या वजह थी। सुशील कौशिक संवाददाता गरौंडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, क्या हुआ था, विवाद की वजह? सुशील, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सुशील आपको सुन पा रहे हैं? क्या हुआ था, विवाद की क्या वजह है? सुशील, विवाद की क्या वजह है? जी देखिए, बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से आज सुबह से ही सरपंच और पंच के पद के लिए चुनाव हो गया, डेरा संजय नगर में ठीक 12 बजे प्रत्याशी के अंदर जाने को लेकर विवाद हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से प्रत्याशी महिला यहां से चुनाव लड़ रही है, उसके पति अंदर जाना चाहते थे लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें रोका और रोड के कारण आपस में कहासुनी हुई, जो बाद में हाथापाई में बदल गई। पुलिस अधिकारियों का आरोप है कि जो प्रत्याशी पति है और उसके जो साथियों ने वो पुलिस के साथ मारपीट की है और उसकी वर्दी इत्यादि पाड़ दी है, जिसको लेकर पूरा तनाव देखने को मिला है। जी सुशील, अभी फिलहाल कैसा माहौल बना हुआ है, वोटिंग इससे प्रभावित हुई है तो क्या वोटिंग दोबारा शुरू हुई है वहां पर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से करीब 12 बजे ये विवाद शुरू हुआ था, 12:30 बजे तक करीब आधा घंटा तक पोलिंग रुकी रही थी। पूरी प्रशासन है, जो डीएसपी मनोज कुमार है उसकी अध्यक्षता में मौके पर पहुंच गया और भीड़ को तीतर बीतर करके दोबारा से मतदान शुरू करवा दिया गया है। जी बिल्कुल। हालांकि कोई घायल भी हुआ है कि इस दौरान, क्योंकि मारपीट हम देख पा रहे हैं, काफी भीड़ जो थी पुलिस वालों के साथ भी मारपीट नहीं मिली है, किसी प्रकार की कोई घायल की सूचना अभी तक सामने नहीं आ रही है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा पुलिस ने अवश्य जो भीड़ है उसको तितर बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज का प्रयोग किया था लेकिन किसी के घायल होने की सूचना अभी तक नहीं सामने आ रही है। जी चलिए, बिल्कुल। अभी फिलहाल वहां पर वोटिंग कैसे चल रही है, कितना उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है वोटर्स में? मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से मैं डेरा संजय नगर के बूथ पर ही खड़ा हूँ और यहाँ पर जो पब्लिक है, आप लंबी लाइनें हैं जो वो देख सकते हैं, किस प्रकार से लंबी लाइनें जो है वो लगी हुई है। सुबह 7 बजे से जो चुनाव प्रक्रिया वो शुरू हो गई थी और अब पूरी तरह से। चलिए लौटूंगे आपके पास सुशील कौशिक। इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बस कुछ ही देर बाद आने जा रही है। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, रोहतक के गरावटी गांव में विवाद हुआ है। रोहतक के गरावटी गांव में विवाद, वोटिंग को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, बोगस वोट डालने को लेकर हंगामा कर दिया गया है। बड़ी खबर, हंगामे के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट की जानकारी मिल रही है। 15 से 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी यहां पर आ रही है, रोहतक के घरावटी गांव में विवाद हुआ है। विवाद घरावटी गांव में, जहां पर बोगस वोट को लेकर, वोटिंग को लेकर दो पक्ष आपस में मारपीट करने पर उतारू हो गए। पंच और सरपंच के लिए आज दूसरे चरण के तहत वोटिंग हो रही है लेकिन फिलहाल अभी अलग अलग जगहों से इस तरीके के विवादों की जो जानकारियां हैं वो मिल रही हैं और फिलहाल रोहतक का ये मामला निकलकर सामने आया है और तस्वीरें देखिए किस तरीके से हाथापाई यहां पर हुई। बोगस वोट को लेकर दो पक्षों में ये हाथापाई हुई, जमकर लात घूंसे चले। तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरीके से आपस में यहाँ पर भिड़ते नजर आए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रोहतक के घरावटी गांव में बना ये बूथ, जहां पर बताया जा रहा है कि
वोटिंग को लेकर दरअसल आपस में दो पक्ष जो है वो अचानक से भिड़ गए, बात बढ़ती चली गई। संजय कुमार संवाददाता रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे ज्यादा जानकारी के साथ। संजय क्या हुआ था? देखिए अंजलि, दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ था। ये रोहतक का ग्रावटी गांव है, हालांकि एक बोगस वोट डालने को लेकर विवाद हुआ था। एक युवक जो है वहां पर पहुंचा, उसने पहले भी वोट डाल चुका था वो, उसके बाद जो एजेंट बैठे थे उन्होंने उस पर आपत्ति जताई और उसके बाद जो है उसको पुलिस वाले को बोला कि ये जो है दूसरी वोट डालने के लिए पहुंचा है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी थे जो उन्होंने उसकी मदद की और उसको जो है वहां से खदेड़ दिया गया। लेकिन बाहर जाकर युवक ने जो है उसको अपने पक्ष को वहां पर बुला लिया गया और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। वीडियो साफ तौर पर आप देख रहे हैं, जिस तरह से लात घूसे चल रहे हैं उसी के हिसाब से जो है साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जो है विरोध यहाँ पर जताया जा रहा है। हालांकि उसके बावजूद जो है आला पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा है, जो राइडर वहां पर लगाए गए थे वो वहां पर पहुंचे हैं, पुलिस अधीक्षक खुद वहां पर पहुंचे हैं और स्थिति को संभाला गया है। दोनों तरफ के 15 से 20 युवकों को जो है हिरासत में लिया गया है। हालांकि अभी तक जो है स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन पुलिस अधीक्षक जो है वहां पर पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पर अलर्ट किया गया है। और ये आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बूथ था ये अति संवेदन बूथ था और इस पर पहले ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं झगड़ा हो सकता है, लेकिन पुलिस कर्मियों की जो सूझबूझ और एक ऐसी अगर मेहनत करें हम कहें कि कुछ सूझबूझ के साथ जो शरारती तत्व थे उनको वहां से बाहर निकाला पोलिंग बूथ से, ताकि पोलिंग बूथ पर कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, पोलिंग ना रुके, वोटिंग ना रुके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने सूझबूझ के साथ वो जो कैंपस था उसको पूरी तरह से खाली करवा दिया गया और उसके बाद जो कैंपस के बाहर जब झगड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं वहां पर जो है मारपीट देखने को मिली। हालांकि लात घूसे जमकर चले दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों के युवक वहां पर मौजूद थे, लेकिन बीच में पुलिस जैसे ही पहुंची तो पुलिस ने 15 से 20 युवकों को जो है हिरासत में ले लिया गया है। अभी तक जो है पुलिस हिरासत में है, लेकिन पुलिस कप्तान खुद इसकी स्थिति संभाले हुए है। अगर रोहतक की बात करूं तो रोहतक में 38.5% जो है मतदान हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे रोहतक का ये नजारा, क्योंकि लगातार लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलेंगी। हालांकि महिलाओं की लाइनें हैं वो अलग से बनाई गई हैं, पुरुषों की लाइनें वो अलग से बनाई गई हैं। ये कैंडिडेट यहाँ पर बैठे हैं, कुछ यहाँ पर एजेंट जो है बैठे हैं, लेकिन पुलिसकर्मी उन्हीं आदमियों को यहाँ से अंदर जाने दे रहे हैं जिनके पास जो है आईडी होती है। आईडी पहले ही निकलवा दिया जाता है। इससे पहले मैं अगर अंजलि आपको दिखाना चाहूं तो इससे आगे जो है एक ये मेन गेट है, आगे उधर अगर मेरी बाई तरफ देखेंगे तो मेन गेट पर जो है कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी पूरी तरह से तैनात है। उन्हीं व्यक्तियों को अंदर आने दिया जा रहा है जिनके पास आईडी होती है या उनके या कोई फ्रॉड आईडी जिसपे आपत्ति जताई जाती है उनको बाहर निकाल दिया जाता है। हालांकि पुलिसकर्मी साफ तौर पर यह कहते नजर आ रहे हैं कि कोई जिद्दोजहद बहस नहीं, शांति से चुनाव होगा और सभी पक्ष की यहाँ पर सुनाई दी जाएगी। क्योंकि अभी देखिए ये बूथ की अगर बात करें तो इस बूथ पर जो है छोटा सा जरूर कहीं ना कहीं कहा सुनी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों की अलर्टता और सजगता के साथ साथ उनको समझा दिया गया और बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। शरारती तत्व को कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी उसी टाइम जो है बाहर निकाल देते हैं, लेकिन युवाओं में जो मतदाताओं में खास उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। ये देखिए आप इधर देखेंगे तो पूरी तरह से उत्साह ये नजर आ रहा है कि आखिर इनकी पंचायत का नमूदा पढ़ा लिखा हो, काम करने वाला हो, विकास करने वाला हो, तो कहीं ना कहीं जोश देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कुछ युवाओं से भी हम बात करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे साथ एक युवा इनसे बात करेंगे। आप बताएं आपके जो पंच है कैसा होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए और जो गांव के हित में काम करे। इलाके की समस्या क्या है? समस्या तो मेन तो गलियां और सड़कें और लाइट होती है और पानी की समस्या है, सफाई और पानी। चलिए बहुत सी समस्याएं और भी युवक है उनसे बात करेंगे। बाजू बताए क्या समस्या है आपके इलाके? एक तो गाड़ा में खर्चा रहे है और फिर कोई भी मतलब विकास वाली बात नहीं हो रही। हमने पहले विकास वाला ईमानदार और पढ़ा लिखा शिक्षक, विकास करने वाला ईमानदार पढ़ा लिखा। आप बताएं किस तरह का पंच होना, सरपंच होना चाहिए आपका किसी पंचायत में? क्या बताएं भाई, चोर डाकू ना हो, कुमार खानियार इज्जत तक काम करना चाहिए। अंजलि उत्साह जो है वो साफ नजर आ रहा है। इधर महिलाएं भी जो है लाइन में अपनी आइडेंटिटी कार्ड लेकर जो है पहुंची हैं और इनका भी जो है खास तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिसकर्मी एक एक व्यक्ति को अंदर जाने दे रहे हैं। देखिए ये वोट जो है वोटिंग कार्ड है इसको चेक किया जा रहा है पहचान पत्र को देखकर, और हालांकि एजेंटों को दिखाया जाता है कि आप बिल्कुल 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 लौटूंगी आपके पास। संजय एक और बड़ी खबर आ रही है वो उसका भी रुख कर लेते हैं, करनाल से जहां पर गांव फतेहगढ़ में दो गुटों में झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान जमकर
तलवारें चली, झगड़े में दोनों पक्षों के कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पाया है। एसपीडीसी ने गांव का दौरा भी किया, छावनी में तब्दील कर दिया गया गांव। पुलिस बल तैनात है। करीब 4 घंटे बाधित रही वोटिंग प्रक्रिया। कड़ी सुरक्षा के बीच अब वोट जो है वो डाले जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती करवाया गया इन लोगों को जो घायल हुए थे, तो दो पक्षों में बताया जा रहा है कि ये जमकर तलवारें जो है वो चली। हालांकि पुलिस की सतर्कता के चलते जो है एक बहुत बड़े विवाद को जो है वो सुलझाया गया। दोनों पक्षों से बातचीत की गई। एसपी डीसी वहां पर पहुंचे। 4 घंटे तक आपको बता दें जो वोटिंग है वो प्रभावित रही पूरी तरीके से। हालांकि लोग जो हैं उनका यही कहना है लोगों का कि यहां पर कुछ बात को लेकर विवाद हुआ और इस दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए। और ये देखो, जैसे अधिकार होता है पोलिंग बूथ से 400-500 मीटर दूर लगाने का, ठीक है, ये हमारे प्रशासन से भी गुहार है कि उनका तो उसके पास सीधा, वो तो सब इरादा करके बैठे हुए थे, लेकिन हम तो वहां से आधा किलोमीटर दूर बैठे थे। उनके तो लड़के एकदम पड़ गए बापूजी को, सभी को वोटिंग को लेकर वोट डालने गए थे। हाँ, हम तो यहाँ पर बाहर थे, अपना पर्ची पुर्ची काट रहे थे, तो यहाँ दिक्कत ये हुई है भाई, कोई यूपी के लोग हैं तो उनके वोट थे, और एक यहाँ सीरी है रिछपाल सिंह का जी। तो सुबह इनका आपस में एजेंटों की ये बात हुई है, फिर वोट खुद डालेगा वोटर, तो यहाँ उसका कोई रिलेटिव डालेगा, उसी को लेकर इनका झगड़ा हुआ है जी। बाकी कोई झगड़े की बात नहीं थी, कुछ नहीं था, तो अपने लोग वोट डालेंगे। और अब रुकती है क्या, इलेक्शन रुका हुआ? अभी रुका हुआ है जी, टाइम हो गया, ये 7:00 के बाद रुक गया था जी। देखिए, ऐसा थोड़ा माइनस कपल का इंसिडेंट हमारे संज्ञान में आया था, तो हमारी तरफ से जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट से और हमारे जो मुख्य के रिटर्निंग ऑफिसर अधिकारी थे वो टाइमली यहाँ पे पहुँच गए थे। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और मेरे ख्याल से 2 या 3 लोगों को थोड़ी चोट आई है और हमारी डॉक्टर साहब से भी बात हुई है। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल और जो इंजर्ड पर्सनल भी है उनको कोई ऐसे क्रिटिकल इंजरीज नहीं है। तो हम थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए थोड़ा यहाँ पे इनके परिवारजनों से भी बात हुई है, तो उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा, उस टाइम के बाद में फिर हम वोटिंग को रिजल्ट। नो डाउट कि सिक्योरिटी यहाँ फुल होनी चाहिए क्योंकि हर बार लड़ाई होती है, तो यहाँ सिक्योरिटी नहीं थी पहली बात तो, ठीक है, अब सिक्योरिटी आई है। तो दूसरा ये है कि अब हमारे जो सब इंजर्स है वो अभी यहाँ नहीं है, जो मौके के सरपंच अब खड़े हुए हैं वो मेरे पापा हैं, वो अभी यहाँ नहीं है, तो हम उनके बिना इलेक्शन शुरू नहीं करेंगे। तो वो भी घायल हुए हैं? हाँ, उनको चोट कह रहे हैं, बता रहे हैं कि चोट लगी हुई है। तो अगर हमारे मेन मेंबर ही यहाँ नहीं है, अर्जेंट नहीं है, तो हम इलेक्शन कैसे शुरू कर सकते हैं? देखिए, सुबह हमें एक इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ फतेहगढ़ में मिली थी, उसके बाद मैं और डीसी साहब भी मौके पर आए थे और सभी हमारे जो पोलिंग पार्टी है और हमारे जो पुलिस कर्मचारी है उससे भी हमने घटना के बारे में विस्तार से पूछताछ करी है। साथ ही जो कैंडिडेट्स हैं उनसे भी बात हुई है और एक कुछ लोग जो घायल हुए थे, हालांकि हमारे जो जैसे डी साहब ने बताया था, डॉक्टर साहब से बात हुई है, उनकी स्थिति ठीक है। एक कैंडिडेट से मेरी भी बात हुई है जिसके बताया जा रहा है कि थोड़ी चोट लगी है, उनसे भी हमने कहा है कि आप वो यहाँ पर पहुँच करके वोटिंग में जो भी है इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करवाएं। अभी जो परिजन है कुछ उनसे भी बात हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्दी हम कार्रवाई अपनी तरफ से वोटिंग कार्रवाई शुरू करवा देंगे, तो प्रशासन अभी थोड़ी देर में कार्रवाई वापस शुरू करवा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। रोहतक जिले में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। जी हाँ, फिलहाल जानकारी है कि रोहतक में कलानौर के लाली गांव में ईवीएम में खराबी जरूर आई है, ऐसी जानकारी फिलहाल मिल रही है। बूथ नंबर 15 पर ईवीएम बटन दबाने में काफी दिक्कतें हो रही है। टेक्निकल टीम ने मौके पर पहुंचकर ईवीएम बदली है ताकि वोटिंग शुरू हो सके दोबारा से। तो करीब आधे घंटे जो मतदान है वो बाधित रहा, इसकी वजह से वोटर्स को थोड़ी बहुत परेशानी जो है वो जरूर उठानी पड़ी। संजय कुमार रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं ताजा जानकारी के साथ। संजय, फिलहाल अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, अभी वोटिंग मशीन खराब होने की जानकारी जो है वो मिली है? देखिए अंजलि, ये रोहतक का लाली गांव है जिसमें आधा घंटे तक जो है ईवीएम मशीन जब वोटर वोटिंग कर रहे थे तो उस समय जो बीप्स की आवाज आती है, ये माना जाता है कि बीप्स की आवाज के बाद जो है मतदान पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बीप की आवाज नहीं आ रही थी तो मतदाता ने जो है कंप्लेंट की ऑब्जर्वर को, ऑब्जर्वर ने जो है अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया, उसके बाद टेक्निकल जो अधिकारी है उनको बुलाया गया, तो ईवीएम मशीन में जो है खराबी मिली। हालांकि ये कहा जा रहा था कि ईवीएम मशीन में खराबी होने के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं चुनाव में कोई दिक्कत ना आए,
तो इसीलिए जो है चुनाव अधिकारी जो है तुरंत प्रभाव से वहां पर पहुंचे और दूसरी मशीन का जो है प्रबंध करवाया गया और उसके बाद जो है उस मशीन को भी ठीक कर दिया गया। हालांकि आधा घंटे तक वोटिंग जरूर बाधित रही लेकिन उस दौरान जो है कहीं ना कहीं चुनाव अधिकारी और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा और सभी जो मतदाता थे उनको समझाया गया, उनको बताया गया कि वोटिंग खराब है, वोटिंग मशीन ईवीएम में कुछ प्रॉब्लम आई है तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो है मतदान थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन उसके बाद जो धीरे धीरे जो है सब सुचारू रूप से चलने लगा और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे और वो मतदाता अपने मत का प्रयोग करते रहे। हालांकि अब की अगर बात करें तो पूरी तरह से जो है सुरक्षा के प्रबंध जो है कड़े कर दिए गए हैं। हालांकि मोबाइल वैन और हैंडीकैम की वजह से जो है पूरी तरह से जो है हर आदमी पर वाच की जा रही है। हालांकि अब की बार जो मैं अंजलि सबसे बड़ी सुरक्षा की बात करूं तो सबसे बड़ी सुरक्षा की बात यह है कि जो पुलिसकर्मी है उनके जेब पर पॉकेट पर हैंडीकैम कैमरा लगा हुआ है क्योंकि कोई भी शरारती तत्व है उस पर खासतौर पर विशेष नजर रखी जा रही है। अगर कोई पुलिसकर्मी की नहीं मानता है या फिर कोई शरारती तत्व बार बार बोगस वोट डालता है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर उस पर पूरी नजर रखी जा रही है, उस पर वाच किया जा रहा है और उसको जो पुलिस कर्मियों द्वारा उसको वहां से उठा लिया जाता है और हिरासत में ले लिया जाता है। हालांकि अभी तक जो है मतदान जो है अच्छी तरह से चल रहा है, शांति से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चुटपुट घटनाएं जरूर होती है किसी चीज को लेकर। मेरे पीछे भी मैं दिखाऊंगा कि कहीं ना कहीं ये देखिए ये यहाँ पर मतदान जरूर चल रहा है। यहाँ पे ये रोहतक का मोगरा गांव है, हालांकि अति संवेदनशील है, कहीं छोटी मोटी बात को लेकर जरूर कहा सुनी जरूर हो रही है, लेकिन आप इधर देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहां पर तैनात है और इनको मतदाताओं को समझा लिया जाता है। हालांकि कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं, छुटपुट घटनाएं जरूर होती है किसी किसी मत को लेकर, लेकिन आप किस चीज को लेकर झगड़ा? झगड़ा कुछ नहीं, यह एक मिनट पानी पहले काट लिया उसे हो गया। कारण क्या? रंग पानी का होशरा से बने था ये सवा बजे काट लिया एक बीच पे इसका पूरा पूरा बड़ा बड़ा देसी भरेड़े पकड़ी आदमी है और कुछ वोट पे था जो वोट दे थी किसी और ने या ही लेट आई बोगस वोट डाल दी। हाँ डाल दी बोगस। कहीं ना कहीं पोलिंग को लेकर ये दिक्कत है, जो मतदाता है उसका मत का प्रयोग जो हर व्यक्ति करना चाहता है क्योंकि उसको चाहिए कि एक अच्छा नेता और अच्छा सरकार जो है कहीं ना कहीं उनके विकास के कार्य करे, पढ़ा लिखा हो, लेकिन किसी की अगर बोगस वोट पड़ जाती है तो इसी तरह से जो है झगड़ा होता है। ये इस बूथ पर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये बूथ नंबर 114 है, इस पर जो है बोगस वोट पड़ी तो उसको लेकर कहीं ना कहीं कहा सुनी हो गई, लेकिन अधिकारियों की वजह से जो है जो मतदाता है उसको समझा लिया गया है और ये कहा गया कि आपकी वोट अभी तक अगर नहीं पड़ी है तो आप वोट लेकर आए, अपना कार्ड पर्ची लेकर आए और आइडेंटिटी दिखाए, अगर आपकी वोट सही है और आपने वोट नहीं डाली तो आपका मत का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि ऑब्जर्वर भी अधिकारी जो है वो मौजूद है, साफ तौर पर जो है किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो अंजलि जो नेता है उच्च अधिकारी है वो साफ तौर पर जो है नजर बनाए हुए हैं। पुलिस कर्मियों की बात करो तो सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह से चकाचौबंद है यहाँ पर, देखिए पुलिस कर्मी पूरी तरह से यहाँ पर तैनात है और पुलिस कर्मी साफ तौर पर उन लोगों पर नजर बनाए हुए हैं जो शरारती तत्व। हालांकि इस कैंपस पर जब कोई मत करने आता है और मत का प्रयोग करके चला यहाँ पर खड़ा हो जाता है तो पुलिसकर्मी उसको तुरंत प्रभाव से खदेड़ देते हैं। ये देखिए ये पुलिसकर्मी को एक भी आदमी जब नजर चढ़ जाता है तो उसको यहाँ से भगा देते हैं। उधर कोई भी व्यक्ति है उसको ये कहा जाता है कि आप लोग यहाँ ना रुके क्योंकि आपका मत का प्रयोग हो चुका है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं आप घर जाए क्योंकि ये जो चुनाव है वो शांति तरीके से, चलिए शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, ये पूरा प्रयास जो है यहाँ पर किया जा रहा है। कहीं कहीं से विवादों का मामला जरूर सामने आ रहा है, बने रहिए आप हमारे साथ। संजय एक बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं, बड़ी खबर बड़ी जानकारी आ रही है। कसौली गांव में वोटिंग के दौरान विवाद हुआ है, कसौली गांव का ये मामला बताया जा रहा है, बुजुर्ग का वोट डलवाने पर झगड़ा हुआ है, बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। झगड़े में 8 से 9 ग्रामीण घायल भी हुए हैं, तो जानकारी फिलहाल मिल रही है घायलों को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवा दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती जो है वो की गई है, तो वोट डलवाने को लेकर कुछ विवाद हुआ, बुजुर्ग के कसौली गांव में वोटिंग के दौरान विवाद हो गया। बच्चे आप जो करे वो बताने लगा तो उसने मेरे को मार दिया। किस बात पे झगड़ा हुआ ये सब? वोट डालने को लेकर पुलिस बल नहीं था उस समय? पुलिस बल था। कितने लोगों को चोट आई है? पांच तो हमारे आई है, चार लोगों को, 8-9 लोगों को चोट आई है। इलेक्शन टाइम था, सुबह 8 बजे का टाइम था,
हम आराम से खड़े थे, बहुत दूसरी पार्टी वाले आए और हंगामा कर दिया। अब पुलिस बल नहीं था उस समय, वहाँ काम थे जी, तो अधिकार थे, बाद में आए सारे। किस बात को लेके हुई है सर? वो टीम पे होगी, वो बोले कि ऐसी अपने आप ही हाव लंगल करके और सीधा लकड़ी फिर उन्होंने लट से फिर मारे इनके। कितने लोग लगने वाले के थे? 8 जने लगी है और मारने वाला पूरा गाँव था, आधा मोहल्ला था उनका। संवाददाता सुरेंद्र गौड़ हमारे साथ रेवाड़ी से जुड़ गए हैं साझा जानकारी के साथ इस खबर पर। सुरेंद्र, फिलहाल किस बात को लेकर विवाद हुआ, कितने लोग घायल हुए, क्या हुआ था? जी अंगली, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बावलखंड के गांव कसोली का मामला है और आज सुबह ही जब जैसे ही वोट मतदान शुरू हुआ उसके 1 घंटे बाद ही यहां झगड़ा देखने को मिला। अगर बात करें तो एक वृद्ध का वोट डलाने के ऊपर जो है झगड़ा शुरू हुआ और वो देखते ही देखते जो है लाठी डंडों में एक दूसरे को मारने शुरू हो गया, जिसमें करीब 8 से 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रिवाड़ी के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। जैसे ही प्रशासन को इसकी सूचना मिली तो वहां भारी बल पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालांकि वहां अब तनाव की स्थिति जरूर है लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। अगर बात कर ले तो ये सभी को जो है रिवाड़ी के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है और मतदान अभी सुचारू रूप से जारी है जी। लेकिन सुरेंद्र, ये जब मामला हुआ फिलहाल क्या व्यवस्था वहां पर, कोई चूक हुई क्या, वक्त रहते इस मामले को शांत नहीं करवाए गए जो इतने लोग घायल भी हुए हैं इस विवाद में? जी अगर बात करें तो सुबह का मामला था, पुलिस बल भी जो पार्टी थी वो भी वहां मौजूद थी और एक वृद्ध को के वोट को डलवाने के ऊपर ये विवाद शुरू हुआ था और वो देखते ही देखते दोनों तरफ से जो है हिंसक हो गया। अगर बात करें तो वहां उसके बाद तुरंत प्रशासन तथा पुलिस के अधिकारियों को वहां सूचना दी थी, प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे तथा पुलिस का एक दस्ता भी वहां मौके पर तैनात कर दिया गया है। हालांकि अब स्थिति जो है शांतिपूर्ण है, मतदान सुचारू रूप से जारी है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र गौड़ इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये विवाद जो है वो हुआ वोटिंग को लेकर और आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी जानकारी की ओर रुख करेंगे। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर वोटिंग जारी। जी हां, जानकारी फिलहाल आपको यहां पर बता दें अपडेट, पंच सरपंच के लिए वोट जो है वो जगह जगह पर 9 जिलों में डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण के तहत वोटिंग मतदान के बाद आज ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। 9 जिलों में अब तक 44% से ज्यादा मतदान हुआ है, जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। अब तक 21 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट कास्ट कर दिया है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं। तो जनता टीवी पर चुनाव की ये मेगा कवरेज आप देख रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर तमाम हमारे संवाददाता मौजूद हैं जो जानकारियां दे रहे हैं। हालांकि छुटपुट जगहों पर विवाद जरूर हुआ, हालांकि उसे वक्त रहते सुलझा लिया गया। कई जगह पर मशीन की खराबी की वजह से भी वोटिंग जो थी वो प्रभावित रही, लेकिन वक्त रहते मशीन को बदला गया है। फिलहाल अभी शांतिपूर्ण तरीके से जो वोटिंग है वो यहाँ पर जारी है। तो बेहद ये महत्वपूर्ण हो जाता है लोकतंत्र का ये त्यौहार और अपने आप में ही ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि जनता जनार्दन आज अपना जो फैसला है वो ईवीएम में कैद कर देगी। तो फिलहाल अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप ये तस्वीरें जो है वो यहां पर देखिए, क्योंकि तस्वीरें जो है वो यहां पर बयां कर रही है कि किस तरीके से स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी। सिरसा, रेवाड़ी, घरौंडा, पिहोवा, तस्वीरें अलग अलग जगहों की जहां पर वोटर्स जो है वोटिंग सेंटर पर पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही लंबी कतारें जो है वोटर्स की वो देखने को मिल रही है और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे। सोनीपत, रेवाड़ी, अंबाला, गुरुग्राम, करनाल, कलानौर की तस्वीरें आप देखिए, हर जगह जो पोलिंग बूथ है वहां पर वोटर्स की जो काफी संख्या में भीड़ है वो यहां पर देखने को मिल रही है। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है यहां पर, आप देखिए किस तरीके से जो वोटर्स हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और वोटिंग कर रहे हैं। तो लगातार, क्योंकि आपको बता दें आज 6 बजे के बाद वो समय होगा जब रिजल्ट जो है वो आपके जिले में भी, अगर पंच सरपंच के लिए आज वोटिंग हो रही है तो बिना देर किए, क्योंकि अभी भी समय है, आप वोट जरूर करिए। ये आपका हक और अधिकार दोनों है, क्योंकि आपके एक वोट से तय होगा कि आखिरकार आपके क्षेत्र का विकास जो है वो कौन करता है और आपने जो पसंदीदा कैंडिडेट है आप उसे वोट दीजिए। आप देख सकते हैं पोलिंग स्टेशन पर किस तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो यहां पर संपन्न कराई गई हैं। तो तस्वीरें भी आपके सामने अलग अलग जिलों की जहां पर आज दूसरे चरण के तहत पंच सरपंच के लिए वोटिंग जारी है।
और सिरसा रेवाड़ी घरौंडा पियोवा की भी तस्वीरें हम आपको साथ ही साथ दिखाते चल रहे हैं। किस तरीके से वोटिंग सेंटर्स पर आप देखिए जो वोटर्स हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो वोटर्स हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। तो लगातार जनता टीवी पर ये मेगा कवरेज जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ एक छोटा सा ब्रेक।